बंद हो गई है बात अब आपके और आपके पार्टनर के बीच। आपका प्रेमी अब आपको करने लगा है इग्नोर और आपकी प्रेमिका अब होने लगी है आपसे दूर। जी हाँ, यदि सच्चा प्रेम करते हैं आप भी किसी से, इंटेंशन सही होना चाहिए। मैं अपने हर उपाय से पहले यह बता देती हूँ कि उपाय को तभी करें जब आपका इंटेंशन सही हो, आपका मन साफ हो। किसी की प्रेमिका को उसके प्यार से अलग करके अपनी प्रेमिका बना लेना, किसी की शादी तोड़वा देना और उसकी पत्नी से विवाह करने की इच्छा, किसी के पति से विवाह करने की इच्छा, यदि यह सारी गलत बातें आपके भी मन में चलती है तो कृपया इन उपायों से दूर रहें। प्रथम तो कार्य ही नहीं करेगा आप पर और दूसरा इसका भुगतान भी आपको करना पड़ेगा। यदि आप सच्चे मन से किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को, अपनी प्रेमिका को सच में दिल से, हृदय से प्रेम करते हैं, वो भी प्रेम करती है आपसे, परिवार से डर रही है, समाज से घबरा रही है, हाँ नहीं हो पा रही है उसके दिल में। यदि आप महिला है, आप लड़की है और किसी से बड़े लंबे समय से रिलेशनशिप में है और अब जब आप रिश्ते की बात छेड़ रही हैं, आप शादी की बात कर रही हैं, तब आपका प्रेमी आपको इग्नोर करने लगा है। नई बात करना चाहता वो आपसे, अब समय नहीं दे रहा वो आपको, उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि प्यार मोहब्बत तो ठीक चल रहा था, ये विवाह जरा भारी पड़ेगा, अभी नहीं विवाह कर सकता, ये सब के लिए मैंने अभी कुछ नहीं सोचा है। बात खुल जाने से हमारे समाज में ये होती है लड़कियों के सामने मुसीबत कि परिवार जान गए, रिश्तेदार जान गए, हमारे मित्र संबंधी जान गए, अब तो विवाह हो ही जाए तो बेहतर है। 100 में से 90% मिडिल क्लास लोग होते हैं और उनको ये समस्या होती है कि जब बात खुल गई है तुम्हारे साथ संबंधों की, तो फिर तुम्हारे साथ संबंधों पर मुहर लग जाए, और ऐसा होना भी चाहिए। यदि आप सच्चे मन से किसी से प्रेम करते हैं और वही आपका जीवन साथी बन जाए तो इससे बेहतर कोई बात हो ही नहीं सकती। परंतु तब क्या करें जब आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका मुकर जाए इस रिश्ते से, ऐसा लगे जैसे कि अब क्या होगा, उसको हिम्मत ही नहीं हो रही आपको बोलने की, आपको फोन कॉल करने की और इस रिश्ते में आगे जाने की, और आप चाहते हैं अब उसके साथ रिश्ते में बंध जाएं, तब आज का दिव्य प्रयोग आपके लिए। यदि आप शादीशुदा हैं और पति पत्नी के बीच दूरी बढ़ गई है, आपकी पत्नी अब ये रिश्ता तोड़ना चाहती है या आपका पति आपको छोड़ना चाहता है, तब आकर्षण का यह प्रयोग, केवल 2 लौंग के इस अद्भुत दिव्य प्रयोग से, मैंने कहा ना 2 दिन में रिश्ता सुधर जाएगा। रिश्ता सुधर क्या जाएगा, जो मुकर रहा है ना, जो प्यार में आगे नहीं बढ़ना चाह रहा, वो सामने से आएगा, आपके परिवार वालों से बात करेगा, बारात लेकर आएगा और आपको लेकर जाएगा। और यदि प्रेमिका हाँ नहीं बोल रही है, तब वह सारे बंधन को तोड़कर अपने प्यार को अपनी जुबान से बोलेगी, आपका साथ देगी, आपका हाथ पकड़ेगी और इस रिश्ते को पूर्ण करने में आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। आकर्षण बढ़ाने का, सामने वाले की जुबान पर इस प्रेम को लाने का 2 लौंग का यह अद्भुत प्रयोग कभी भी निष्फल नहीं गया है। तो यदि आप सही भाव से चाहते हैं अपने प्रेम को पाना, यदि आपके प्रेमी ने या आपकी प्रेमिका ने फोन पर आपको ब्लॉक कर दिया है और आप चाहते हैं कि केवल एक कॉल आए और मैं उसको मना लूंगा या मैं उसे मना लूंगी, तो 10 मिनट के भीतर उसका कॉल आएगा। इतना अद्भुत, इतना चमत्कारिक, इतना सार्थक है ये प्रयोग। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो आपको कहां से कहां तक लेकर जाता है। जीवन की हर कमी, हर परेशानी, हर बाधा से आप मुक्त हो जाते हैं। सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, खाना बनाते वक्त या फूलों में जल डालते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा कीजिए, हर काम बनते चले जाएंगे। जीवन में कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रह जाएगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने, किस्मत बदल जाएगी। ऐसे ऐसे दिव्य प्रयोग बताती हूँ मैं आपको। यदि आपकी प्रेमिका या प्रेमी मुकर रहा है आपके साथ प्रेम में, यदि आप चाहते हैं कि आप जिससे प्रेम करते हैं वही विवाह में बंधे आपके साथ, यदि आप चाहते हैं
कि आपके भीतर आकर्षण इतना बढ़े कि आपका प्यार सामने से आए और आपका साथ दे, तो दो लौंग का यह अद्भुत प्रयोग आज मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। अवश्य कीजिए और मुझे भी बताइए कि कितने दिन में आपको फल मिला और कितना फल मिला। ध्यान से सुनिए, आपको यह प्रयोग दो दिन करना है, प्रथम शुक्रवार को, दूसरा शनिवार को। दो दिन लगातार यह प्रयोग करें। प्रयोग करने में 5 मिनट का समय लगेगा, लेकिन सारी परेशानियां 5 मिनट में समाप्त भी हो जाएगी। आपको दो लौंग लेकर आना है मार्केट से, सांझा लौंग। किचन में प्रयोग किया जाने वाला खाने वाले लौंग को मत उठा लेना। दो लौंग घर में लेकर आ लीजिए, थोड़ा सा जल एक कटोरी में रख लीजिए और इस दो लौंग को जल में डुबा दीजिए। जल थोड़ा सा मीठा होना चाहिए, अर्थात आप मिश्री, चीनी, किसी के भी माध्यम से इसे मीठा कर लीजिए। मुकुंदाना जो प्रसाद में परमात्मा को चढ़ाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, आप उससे भी मीठा कर सकते हैं जल को। और इस मीठे जल में दो लौंग डाल दीजिए। आपको बैठना कहाँ है? अपने बेडरूम में। ये शुक्र का स्थान होता है, संपूर्ण बेडरूम शुक्र का ही स्थान होता है। तो अपने शुक्र के स्थान पर यानी बेडरूम में ही उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके एक आसन लगाकर बैठ जाइए। आसन में और आपके शरीर में एक भी काला रंग का कपड़ा ना होना चाहिए। आप कोई भी रंग का कपड़ा पहन सकती हैं, लाल रंग को अवॉइड कीजिए। उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाइए। सामने जल में भीग रहा है इस दो लौंग को अपने सामने रखिए। कोई दिया नहीं जलाना, कुछ भी नहीं करना है। तंत्र की यह क्रिया आपने ले आई, चलिए मंत्र से इसे अभिमंत्रित करते हैं। कैसे खींचा चला आएगा आपका प्रेमी या कैसे खींची चली आएगी आपकी प्रेमिका, आप समझ भी नहीं पाएंगे। इन दो लौंगों को जल से उठाइए, अपने हाथ की मुट्ठी में बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए और प्रथम अपने पार्टनर की अनुभूति कीजिए। उसे देखने का प्रयास कीजिए, वो आपसे बात कर रही है, वो आपसे बात कर रहा है, वो राजी हो गया है आपकी बात पर, उसका फोन कॉल आया है, आपने उससे बात की है। इस तरह की सकारात्मक चीजों को देखने का, महसूस करने का प्रयास कीजिए। जब ऐसा होने लगे, इन दो लौंगों को अपनी जुबान पर रख लीजिए, मुंह में रख लीजिए। अब जो मैं मंत्र आपको बता रही हूँ, इस मंत्र को 7 बार लगातार बोलिए। आपको कहना है ओम तन तोम तुम त्रिन तृष्णा हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को 7 बार बोले, मन में, दिमाग में, आंखों पे वही सकारात्मक चीज, आ गया है मेरा प्रेमी, आ गई है मेरी प्रेमिका, विवाह की बात हो रही है, वो हाँ कर रहा है, इस तरह की बातें लगातार चलाएं और 7 बार ये बोले। उठकर सीधे घर के बाहर जाएं, मुख्य द्वार के बाहर चले जाएं अपने घर के, और जाकर बाहर थूक दें इस लौंग को, थूक दें, लौंग को ही फेंक दें, कुल्ला कर लें, घर आ जाए, जल पी लें, अपने ऊपर जल छिट लें। ये जो मीठा जल था जिसमें से लौंग आपने निकाला था, वो किसी भी फूल पौधे में डाल दें। केवल इतना करने मात्र से, ये शुक्रवार को आपने किया, शनिवार को पुनः ये क्रिया आप दोहराएंगे, 2 बार करेंगे। शुक्रवार को आकर्षण बढ़ाने के लिए, शनिवार को नकारात्मक नेगेटिविटी जो आप दोनों के बीच गई है उसे हटाने के लिए, केवल 2 बार करना है, फिर कभी नहीं करना है। 10 मिनट के भीतर आपके पार्टनर का फोन कॉल आएगा, आपकी प्रेमिका भाग कर आएगी आपके पास, मानेगी आपकी हर बात, आपका आकर्षण इतना बढ़ेगा, अट्रैक्शन इतना बढ़ेगा, हर कोई आपकी बात मानेगा। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।